नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बढ़िया पाम का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं इस पाम में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले इस पाम पर नज़र जाती है, ये कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पाम है। ये लोग एक योद्धा किस्म के इंसान रहते हैं, हर चीज़ मेहनत से पूरी करते हैं, और जब इतनी चौड़ाई होती है तो इनको कोई भी पैसा कमाने से रोक ही नहीं सकता। हाथ की स्किन का टेक्सचर अगर अच्छा है तो ये लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस तरह की चौड़ाई वाला पाम, इनका अंगूठा भी अच्छा खासा मजबूत है, अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे, प्लस उंगलियां भी छोटी है पाम के मुकाबले, तो स्पीड में निर्णय लेने वाले होते हैं ये लोग। और छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेन तक पहुंच रही है तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, हाँ थोड़ी सी छोटी है तो मामूली माइनस पॉइंट है, उसको छोड़कर कोई भी माइनस पॉइंट यहाँ पर दिख नहीं रहा। बहुत से पॉजिटिव साइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्यक्ति थोड़ा सा साल इनको बैकफुट पे आना पड़ा, केवल थोड़ा सा समय, इसमें थोड़े से व्याकुल हुए, पर इसके बाद इनकी गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ते दिख रही है। वो कैसे है, क्या है, पाम एनालिसिस के समय दिखाएंगे। अभी भी इनकी पोजीशन कोई इतनी डाउन नहीं है, पर रफ्तार जब रुकती है, जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं मिलता, तो जिसको ज़्यादा एम्बिशियस रहता है वो व्यक्ति थोड़ा सा व्याकुल होता है, उसको थोड़ी सी टेंस आती है। अब यहाँ पर देखते हैं, इनका बुध पर्वत काफ़ी उभरा हुआ और उस पर सिंगल लाइन है, ये व्यक्ति को अचानक धन लाभ देती है। ये रेखा जब भी आपके हाथ पर चमकेगी, शाइन करेगी, उस समय आप समझ लेना आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बने हुए। और इतना अच्छा बुध पर्वत व्यक्ति को सुंदरता देता है, बिजनेस एक्यूमन अच्छा खासा देता है, प्लस बोलने की कला में महारत देता है, रिफाइंड लैंग्वेज रहती इनकी। ये सारे गुण बुध पर्वत देता है और ये सिंगल लाइन व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लाभ देती है, अचानक धन लाभ के मौके जीवन में बार बार देती है, पर शर्त ये है कि ये चमकनी चाहिए। अभी फिलहाल चमक नहीं रही है, पर जब भी ये चमकेगी उस समय आप सोच लेना, समझ लेना कि आपके जीवन में अचानक धन लाभ के मौके आने वाले। अब चलते सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर भी देखिए कितनी पॉजिटिव साइन है, ये देखो कंप्लीट फिश। ऐसे लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से, है थोड़ी सी छोटी पर कंप्लीट फिश साइन है, और फिश साइन तभी मानी जाती है आगे इस तरह से मुंह होना चाहिए, मुंह के बाल क्रॉस में जाने चाहिए तो ही फिश साइन मानी जाती है, नहीं तो लोग केवल स्क्वायर को दिखाकर व्यक्ति समझता है ये मेरे पाम पर स्क्वायर है और यहाँ पर ये निकल गई, ये फिश साइन है। ये फिश साइन नहीं होती, उसको जब तक मुंह नहीं निकलता तब तक टेल और मुंह दोनों होने चाहिए, एक टेल बड़ी होनी चाहिए और मुंह थोड़े से छोटे होने चाहिए, पर एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए, तब जाके ये फिश साइन होती है। और ये सूर्य पर्वत पर है, ये जीवन भर इनको धन का लाभ देगी, जीवन भर। और ये पीरियड जब शुरू होगा लगभग 57-58 का, उस समय तो एक्सट्रीम लाभ इनको जीवन में मिलेगा, एक्सट्रीम लाभ। और यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है, व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाता है। और यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सफलता के लिए, यानी बहुत पसीना नहीं बहाना पड़ता, इजीली सफलता इनको जीवन में मिलती है। और यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति धरातल का ज्ञान, बेसिक ज्ञान इनके पास ज़्यादा रहता है, लोग इनको पूछ कर काम करते, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनको पूछ कर काम लोग करेंगे। दूसरा प्लस पॉइंट, इनके शनि पर्वत पर एकदम रोड की तरह फ्लैट शनि पर्वत है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है जब शनि पर्वत इस तरह का होता है। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग फेट लाइन है, कंटिन्यू जा रही है, ये जितनी भी है ये तीन, ये मनी रिसीविंग एंटेना है, ज़्यादा धन कैप्चर करके व्यक्ति के जीवन में
देती है, और ये स्ट्रॉन्ग लाइन है तो ये बुढ़ापे तक इनके पास इनकम के स्रोत अच्छे खासे बने रहने वाले हैं, और विदेश से भी धन प्राप्ति के योग इनके हाथ में दिख रहे, आज नहीं तो कल इनके विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बनने वाले। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत पर, जो हर पाम में ये मिस्टेक होती है और ये बहुत लोग पकड़ नहीं पाते। मैंने उपाय दे देकर बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, मैं इनको भी ये उपाय दूंगा। शुक्र पर्वत देखिए आप, फुटबॉल से भी बड़ी गेंद के आकार का शुक्र पर्वत है, और उसके सामने गुरु पर्वत देखिए आप। एक ट्रैक्टर ने प्लेन, अगर ट्रैक्टर से भी बड़ा टायर होता है उससे भी बड़े टायर का शुक्र पर्वत है, और उसके सामने गुरु पर्वत देखिए एक बच्चे की साइकिल की तरह। जब इतना डिफरेंस होता है तो व्यक्ति को रुकावटें आती ही है, जो उसके पास एबिलिटी है वो कभी उसको प्राप्त नहीं होती, कभी नहीं। पर जब इसको बैलेंस किया जाता है तो अच्छा खासा धन व्यक्ति के जीवन में आता है, अच्छा खासा। रुकावट यहाँ है इनके जीवन में, इनको जो प्राप्त करना है वो यहाँ पर अटका हुआ है। और यहाँ पर देखिए गुरु पर्वत जब इतना दबा हुआ रहेगा तो व्यक्ति इतना विस्तार नहीं कर पाता अपने व्यापार का, अपने परिवार से रिलेटेड प्रश्न भी खड़े होते, पति पत्नी के बीच भी मतभेद होते हैं जब यहाँ से उभरा रहता है, तो परिवार के भी मतभेद होते, ये सारी चीज़ें व्यक्ति झेलता है। मैं इनको उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर, ये व्यक्ति को 32 साल के पहले खुद का घर, 36 साल पर अथॉरिटी पोजीशन। व्यक्ति बहुत बार घर किसी के पास होता है तो व्यक्ति जमीन जायदाद लेता है उस पीरियड में 32 के पहले, और 36 साल पे अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचता है और बोलने की कला में महारत देता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन है देखिए, बहुत सारी चल रही है, तो मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके जीवन में कंटिन्यू बनने वाले, कभी कहीं से कभी कहीं से कंटिन्यू मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके पास रहने वाले, तो ये भी पॉजिटिव साइन है इनके हाथ पर। अब चलते हैं मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत पर मैंने एक फोटोग्राफ में इनके स्टार देखा था, इस फोटोग्राफ में क्लियर नहीं पता चल रहा, एक जगह पर स्टार दिखा था मुझे, ये लगभग यहाँ ही बन रहा है, फिर भी मैं दूसरे फोटोग्राफ में कंफर्म करूँगा, स्टार क्लियर कट है। जब स्टार होता है तो ऐसे लोग एकड़ों में जमीन खरीदते हैं, 10 एकड़, 5 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़, इस तरह का लाभ इनको जीवन में मिलता है, और इनका व्यवसाय भी उसी टाइप का है, और इनको ये लाभ मिलने वाला है। मैं उस फोटोग्राफ में क्लियर कट यहाँ पर स्क्वायर देखा है, यहाँ पर भी मुझे स्क्वायर का आभास हो रहा है, पर उस फोटोग्राफ में काफ़ी क्लियर कट स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं स्टार है, वो मैं इनको हाईलाइट करके भेजूंगा। वो स्टार के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जमीन एक्वायर करता है। अब चलते इनके, और अंदरूनी मंगल काफ़ी सुंदर, तो शारीरिक क्षमता तो एक्सट्रीम लेवल की होगी इनके पास, एक स्पोर्ट्स पर्सन के जैसी शारीरिक क्षमता होगी इनके, पर उस पर देखिए आप बहुत सारी रेखाएं चल रही है, ये चिंतित स्वभाव की ओर इशारा करती है। ऐसे लोग बहुत चिंताग्रस्त रहते और बहुत बार ऐसे लोगों का डिप्रेशन में जाने का भी चांसेस बढ़ जाता है। मेरी इनसे सलाह, भोलेनाथ मंदिर में रोज जाइए, रोज जल चढ़ाइए। दूसरा एक कार्य है वो मेडिटेशन, ये आपके लिए मस्ट है, नहीं तो आपको चांसेस होता है कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इतनी सारी जब बारीक रेखा है अंदरूनी मंगल में रहती है तो इस तरह का व्यक्ति को नुकसान होता है। अब चलते हैं इनके बाहरी मंगल की ओर। बाहरी मंगल देखे तो अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो व्यक्ति जब भी मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, ये एक प्लस पॉइंट रहता है। और एक प्लस पॉइंट, संकट के समय अपने बलबूते पर संकट का सामना करता है, ये दूसरा प्लस पॉइंट है। अब चलते हैं चंद्र पर्वत पियर। चंद्र पर्वत
काफ़ी अच्छा है और उस पर भी देखिए ये क्रॉस बन रहा है। ये नेगेटिव सोच देता है, व्यक्ति जीवन के प्रति थोड़ा सा नेगेटिव बनता है, उसको हमेशा डर लगता है मेरा क्या होगा आगे, इस तरह की जो भावना है ये क्रॉस देता है। और यहाँ पर देखिए इनकी जीवन रेखा कंप्लीट चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे लोगों का भी चांस बढ़ जाता है, यानी 100% ऐसे लोग विदेश में जाकर सेटल होते जिसकी भी फेट जीवन रेखा इस तरह से जाती है। तो और यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी काफ़ी सुंदर बड़ा सा बन रहा है, तो ये भी बहुत सारे धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। बहुत सारे अच्छे इनकम के स्रोत व्यक्ति के जीवन में पैदा होते हैं, बहुत अच्छे, और अच्छा खासा धन अपने जीवन में जमा करता है। इतना बड़ा मनी ट्रायंगल बहुत नसीब वालों को मिलता है। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर भी देखिए यहाँ पर जितने भी ये स्क्वायर बने हैं ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की ओर इशारा कर रहे हैं और जमीन जायदाद की ओर इशारा करते हैं। और इनके शुक्र पर्वत पर कोई माइनस पॉइंट नहीं है, कोई बारीक रेखाएं नहीं है कि ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है। अच्छा खासा शुक्र पर्वत है, इनको पसीना भी बहुत आता होगा जीवन में, और अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल जीने का मन, ब्रांडेड कपड़े पहनते ये लोग, अच्छी तरह से जीते, ये प्लस पॉइंट रहता है। और बहुत अच्छा शुक्र पर्वत है और गुलाबी भी है, हाथ का कलर भी अच्छा खासा गुलाबी है, कोई कमी नहीं है। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा के पास देखिए एक लाइन इस तरह से जा रही है, ये पॉलिटिकल सरकारी लोग, पॉलिटिशियन ऐसे लोगों से संपर्क में रहते हैं और कोई ना कोई अवसर पर उनसे लाभ उठाएंगे ये जीवन में, और ये लाभ होगा लगभग 50 के आसपास से। इनको कोई ना कोई पॉलिटिशियन के साथ ये हाथ मिलाएंगे और उनका कार्यकाल चलेगा। और इनकी हृदय रेखा कंप्लीट गुरु पर्वत से शुरू होकर इस तरह से जा रही है और कव ले रही है, तो ये लोग भावुक भी होते, प्रेमी किस्म के इंसान रहते, सबसे प्रेम करते, प्लस गुरु पर्वत से शुरू होती है तो व्यक्ति विश्वासु भी होता है, किसी का 100 रुपया भी बाकी होगा तो सामने से देकर आएंगे, इस तरह की मानसिकता रहती है इनकी। तो काफ़ी हृदय रेखा अच्छी है, हाँ थोड़ी सी मोटी होने के कारण ये फ्रीली लाइफ नहीं जी पाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो शरीर जाएगा इनका, मन कहीं और होगा, इस तरह की प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी, क्योंकि हार्ट लाइन मोटी है, कोई ना कोई झंझट मारिया लेकर चलेंगे ये। बाकी कोई फॉल्ट इनकी हृदय रेखा पर मुझे दिख नहीं रहा है, काफ़ी स्मूथ हृदय रेखा है। हाँ थोड़ी सी लाइनें नीचे जा रही है, ये दोस्तों को हेल्प करेंगे और दोस्त इनको पैसा वापस नहीं देंगे। अब चलते इनकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पर देखिए आप, गुरु पर्वत से शुरू होकर एकदम एंड तक इतनी बड़ी माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली बनाती है, और गुरु पर्वत से जब शुरू होती है तो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी रहता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करके ही छोड़ता है, ये और एक खासियत रहती है इनमें। और इतनी बड़ी माइंड लाइन व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर बहुत ज़्यादा विकास करता है, बहुत ज़्यादा, ये कभी पीछे रह ही नहीं सकते विकास से, इतनी बड़ी माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत आगे निकालती है। पर इसी माइंड लाइन पर देखिए आप इस पीरियड तक कंप्लीट दबाव झेल रहे, ये पीरियड होगा लगभग उम्र 40 से 42 तक, इस उम्र तक ये दबाव झेलेंगे और उसके बाद इनकी माइंड लाइन अच्छी खासी स्मूथ हो रही है, और वही चीज़ इनके फेट लाइन पर भी दिख रही है। तो इनकी माइंड लाइन अभी इन्होंने अच्छा खासा दबाव जीवन में झेला है टीनेज से लेके अभी तक, पर उसके बाद ये काफ़ी रिलैक्स होने वाली है क्योंकि इनकी माइंड लाइन अच्छी खासी स्मूथ हो रही है, तो इनके जो जीवन में दबाव है वो काफ़ी हल्का होते दिख रहा है आगे जाकर। अब चलते हैं इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर भी देखें तो ऐसी कोई बहुत खराब लाइफस्टाइल जिए नहीं होंगे, बचपन भी अच्छा खासा इनका गुजरा होगा क्योंकि बहुत सारा झिकझैक नहीं है। और यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ, तो पढ़ाई के मामले में भी
हो सकता है ये अच्छे हो, क्योंकि जब ट्रायंगल बनता है जीवन रेखा पर तो व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा खासा होता है, कोई ना कोई डिग्री प्राप्त करता है। और यहाँ पर देखिए ये मीठा संघर्ष दिखाती है, ये जो पार्ट है ये लगभग होगा इनके जीवन का लगभग 28 से लेके 35 तक का पार्ट ये मीठा संघर्ष दिखा रही है। ये पीरियड थोड़ा सा संघर्षमय गया होगा, पर फिर भी कोई ना कोई बेसिक सफलता इनको मिली होगी, क्योंकि जब भी पॉजिटिव हल्की लाइन होती है तो संघर्ष दिखाती है, और डबल लाइन होती है तो जीवन में जकड़न भी दिखाती है प्लस सफलता भी दिखाती है। और उसके बाद इनकी जीवन रेखा आगे बढ़ी, और इनकी जीवन रेखा पर देखिए इस तरह से आगे बढ़ रही है, और बहुत सारी छोटी छोटी रेखाओं ने इनके जीवन रेखा को काट रही है। ये सारी रेखाएं विघ्न लाती है। सबसे पहले विघ्न दिख रहा है इनके 39 के एज में, इस समय कोई ना कोई विघ्न आया होगा, और उसके बाद कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी लाइनें टच कर रही है, और जो काटेगी जो लाइन वो उस पीरियड में थोड़ा सा ज़्यादा टेंस आएगा, लगभग 45 के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा टेंस आएगा, 45 भी नहीं, लगभग 45 के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा टेंस आएगा, और उससे ज़्यादा टेंस इन्होंने 39 के आसपास निकाला होगा। उसके बाद ये जो भी टेंस है ये केवल टच कर रही है जीवन रेखा को, और इसका भी मैं उपाय इनको दे दूंगा, सिंपल उपाय है, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना डेली आपको। तो ये जो राहु रेखा का वार है ये धीरे धीरे पतली राहु रेखा है स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाने से निकल जाती है, पर स्ट्रांग रेखा रही तो उसको निकलने में थोड़ा सा हार्ड होता है। इनकी सब छोटी छोटी पतली रेखाएं, तो ये रेखाएं 100% इनके जीवन से निकलेगी, पर सुबह शाम ऑलवेज कार के अंदर इनको कोई ना कोई खाने का सामान रखना होगा और स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना होगा। ये बहुत टेस्टेड उपाय है और बहुत असर करता है। हाँ, शुरुआत में स्ट्रीट डॉग खाना नहीं खाते जिनकी राहु रेखाएं ज़्यादा रहती है, पर ज़्यादा मेहनत करने से खाना शुरुआत करते, और जैसे ही शुरुआत करेंगे वैसे वैसे जीवन में सफलता मिलनी शुरू होती है। तो बहुत ईजी इलाज है, और इसके बाद कोई इनकी जीवन रेखा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्र पर्वत तक जा रही है तो विदेश सेटलमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते। अब चलते इनके फेट लाइन पर, फेट लाइन भी नॉन स्टॉप चल रही है। देखिए आप, चंद्र पर्वत से शुरू हुई और यहाँ तक चली, एक फेट लाइन यहाँ से और शुरू हुई यहाँ चली, और एक फेट लाइन ये चल रही है, और बहुत सारी फेट लाइनें हैं जो इस तरह से चल रही। तो मल्टीपल इनकम का हाथ है ये, किसी भी तरह मल्टीपल इनकम इनके जीवन में होती रहेगी। अभी इनकी वर्तमान उम्र लगभग 41 ईयर्स के आसपास है, और इसी फेट लाइन पर देखो एक कट आया लगभग 26 के आसपास, एक कट 28 के आसपास, एक कट 29 के आसपास, एक कट अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग कट आ रहे हैं इनको, 37 के आसपास, 36 के आसपास, 40 के आसपास, 42 के आसपास, 45 के आसपास, 49 के आसपास, ये इस तरह से इनको राहु रेखा है जीवन में काट रही है। फिर भी विकास होगा, फिर भी इनका विकास होगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई ज़्यादा कट इनके जीवन में है नहीं, जो भी कट कष्ट है वो लगभग 48-49 तक है, और उसके बाद इनका अच्छा खासा जीवन स्मूथ जाने वाला है। और अभी जो वर्तमान उम्र चल रही है उसमें भी ये जो हताश है वो ये फेट लाइन देखो यहाँ से थोड़ी सी फेडेड है, और उसके बाद ये अच्छी खासी स्ट्रांग हो रही है, और यहाँ पर एक नया व्यवसाय भी हो सकता है इनका शुरू हो ये 42 के आसपास, और ये अच्छा खासा धन इनको कमा के देगा। तो धन के मामले में यहाँ पर कोई कमी इनके जीवन में लग नहीं रही है, कंटिन्यू स्ट्रांग फेट लाइन है, यहाँ एंटेना भी बने हुए हैं मनी रिसीविंग, और अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है, प्लस यहाँ फिश साइन भी है। ये दो उपाय कर ले, ये उपाय इनको मैं व्हाट्सएप पर दे दूंगा, और स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना शुरू कर दे तो इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा,
और अच्छे खासा पैसा ये जीवन में कमाएंगे। अगर ओवरऑल मेरी दृष्टि में देखे तो ये पीरियड जो गुजर रहे थे ये थोड़ा सा टफ वाला ही था, क्योंकि छोटे से पीरियड में 4-5 बार फेट लाइन को कट हुई है, तो व्यक्ति को नुकसान जाता है, रुकावट आती है, पर उसके बाद इस तरह की पोजीशन आगे है नहीं, तो ज़्यादा टेंस लेने की इनको ज़रूरत नहीं है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।